अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंचने का दावा करने वाली सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। इस अनोखे प्रेम कहानी के बारे में जानने में लोगों की काफी दिलचस्पी भी दिख रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सीमा हैदर भारत में ही अपने प्रेमी सचिन के साथ रहेंगी या फिर उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इसे लेकर तरह तरह की कयासबाजी भी चल रही। आशंका तो ये भी है कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है, इसे लेकर भी जांच चल रही है। फिलहाल पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा जमानत पर है और सचिन के साथ रह रही है। वो भारत सरकार से नागरिकता की मांग भी कर रही है और पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करने की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि अगर उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाता है तो वहां उसकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या कानूनन सीमा को भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीमा ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली है, ना तो उसके पास वीजा है और ना ही पासपोर्ट। ऐसे में उन्हें अवैध प्रवासी की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे अवैध प्रवासियों को फॉरेन एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत जेल हो सकती है या तो उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सकता है। हालांकि इस कानून में मोदी सरकार ने साल 2015-16 में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत 31 दिसंबर 2015 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अवैध हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को छूट दी गई थी, लेकिन सीमा हैदर इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती है। तो अब बात शादी और नागरिकता की करते हैं। सीमा ने दावा किया है कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और नेपाल में सचिन से शादी कर चुकी हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने बताया है कि धर्म परिवर्तन और शादी से जुड़ा भारतीय नियम ये कहता है कि मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने के लिए सीमा को अपने नजदीकी आर्य समाज मंदिर में जाना होगा। पूरी प्रक्रिया के बाद आर्य समाज मंदिर सीमा को धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट दे सकता है, तब जाकर ये माना जाएगा सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म नहीं अपनाया है तो वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत सचिन से शादी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एक अंतरधार्मिक शादी होगी और सीमा भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया है तो वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने नए नाम और पहचान के तहत सचिन से शादी कर सकती है, जिसका उसने धर्म परिवर्तन के बाद दावा किया है। भारत में सीमा हैदर को अवैध प्रवासी माना जाएगा। अवैध प्रवासी वो विदेशी होता है जो बिना पासपोर्ट और वीजा जैसे वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बिना देश में एंट्री करता है या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एंट्री करता है लेकिन जितने दिनों की परमिशन मिली है उससे ज्यादा दिनों तक रहता है। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है, ऐसा करना प्रतिबंधित है। हालांकि हर मामले की खासियत रीजन और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों और संबंधित अधिकारियों के विवेक और सबूत के आधार पर कार्रवाई और कानूनी नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।